ग्रीन रेवोल्यूशन पेज नंबर आपका है 92। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, मेन क्वेश्चन आपको कई बार आ जाता है, फाइव ईयर प्लान आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन देखो है भी ए लार्ज इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन इन द डेवलपिंग कंट्रीज अचीव बाय द यूज फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स एंड हाई यील्ड क्रॉप वैराइटीज। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था, जो हमारे पास क्रॉप की प्रोडक्शन होती है उसको बढ़ाने के लिए जिसको हम क्या यूज किए, जो हमारी कंट्री में जो भी अजीब से डेवलपमेंट उसको मीन ज्यादा अचीव करना, उसके लिए हमने फर्टिलाइजर यूज किए या फिर पेस्टिसाइड यूज किए या फिर हाई यील्ड क्रॉप वैराइटीज यूज की, उसको बोलते हैं हम ग्रीन रेवोल्यूशन, जिससे क्या है क्रॉप की जो प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुई, उसको बोलते हैं उस टाइम पीरियड को हम बोलेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन जो इन्होंने देखो बोला भी 2007-08 में इन्होंने बताया रियल प्रोडक्शन वाज 216 मिलियन टन, 2007-08 में जो रियल प्रोडक्शन थी इसकी 216 मिलियन टन थी। प्लानिंग कमीशन उन्होंने टारगेट सेट किया था भी 300 मिलियन बनानी है हमने, जो प्रोडक्शन का उन्होंने सेट किया था उस टाइम पे जो हमने उन्होंने टीचा रखा 300 मिलियन टन बनाएंगे, लेकिन उस टाइम पे जो उन्होंने अचीव किया 200 मिलियन टन, तो उसके हिसाब से इन्होंने देखो अलग अलग आपके पास पैराग्राफ में दिए उन्होंने भी कितने टाइम पे कितना कितना मिलियन उन्होंने बढ़ाया, तो उस टाइम पे जितना उन्होंने क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाया उसको हम टाइम को बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके लिए उन्होंने फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स या फिर न्यू वैराइटीज जो यूज करनी थी उसके तरीके को यूज करके क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, उस टाइम पे हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, जिसमें हमारा क्रॉप की इंडस्ट्री क्रॉप की प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हुई। उसके बाद आपके पास आ रहा है एग्रीकल्चर इन लैंड की टाइप्स पूछेगा, कई बार क्वेश्चन आपको आ जाता है लैंड की टाइप्स क्या होती है, पेज नंबर आपके पास है 97। लैंड कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार के लैंड होगी आपके पास, खजान लैंड, केयर लैंड एंड मोरो लैंड। खजान लैंड क्या होती है, जो आपकी लो लाइंग एरिया में होती है, जो मतलब कि आपके पास सी लेवल आपने जो देखा हो समुद्र के आसपास एरिया में, जो नहरों के आसपास एरिया में जो जमीन होती है उसको हम उस एरिया को बोलते हैं हम खजान लैंड। जिन्होंने लिखा इट कम्प्राइज लो लाइंग एरियाज ओपन बिलो सी लेवल लेटिट्यूड, दिस लैंड इज यूज फॉर मॉनसून पैडी क्रॉप फॉलोड बाय द रैबी वेजिटेबल, ठीक है। मॉनसून का मतलब क्या हो गया, ये वाली लैंड कब यूज की जाती है, जब आपके पास मतलब जब कोई मॉनसून का टाइम आएगा उसमें सब्जियां वगैरह के लिए यूज की जाती है, ठीक है, ये लो लाइंग एरिया में होती है आपकी। सेकेंड है आपके पास केयर लैंड, केयर लैंड में होती है, दिस इज लैंड लैंड लो एवोल्यूशन लो अबव सी लेवल एंड हैविंग ए हाई वाटर लेवल, होती तो लो लाइंग एरिया में लेकिन जहां पे पानी का एरिया पानी जो है ज्यादा होता है वहां पे होती है ऐसी लाइन। एक तो कोई लो लाइंग एरिया वहां पे पानी नहीं है, कोई भी ऐसे एरिया में बने हुए जो बहुत नीचे इलाके हैं जहां पे पानी का कोई मतलब नहीं है, जब कोई ऐसे किनारे पे बने हुए नहीं दिनों दिनों किनारे पे जो चल नहीं रही है जहां पे पानी नहीं है, वो तो होगी आपकी खजान लैंड, वो मॉनसून के ऊपर डिपेंड रहती है, सब बारिश आएगी तो ये नदियां चलेंगी या पानी चलेगा उस हिसाब से जो है वहां पे खेती हो जाती है। दूसरी आती है केयर लैंड, जहां पे हाई लेवल वाटर होता है, होते हुए पानी के किनारे हैं लेकिन पानी बहुत ज्यादा होता है वहां पे जो यूज यहाँ पे भी सब्जियां वगैरह पल्सेस वगैरह यूज किया जाता है वहां पे भी खत्म होती है। उसके बाद है मोरोड लैंड, मोरोड लैंड क्या होती है, ये हमेशा आपको अपलैंड बोलते हैं इसको, सूटेबल फॉर हॉर्टिकल्चरल एंड प्लांटेशन क्रॉप सिंगल रेन फेड क्रॉप ऑफ राइस, जो ऊंची जगह पे आपकी जगह बनी हुई है जहां पे भी एक बार भी अगर मान लो बारिश हो जाती है उससे उनका संतुष्टि पूरी होती है ऐसी जगह की। ऐसे एरिया को हम क्या बोल सकते हैं, जैसे आप देखोगे पहाड़ों पहाड़ों पे खेती होती है स्टेप बाय स्टेप जैसे होती है, उन जैसे एरिया को मोरोड लैंड बोलते हैं, वहां पे क्या एक बार भी बारिश होती है तो काम चल जाता है, उनको स्पेशल कोई इतना जरूरत नहीं होती, वहां पे सब्जियां भी ऐसे बनाते हैं वो उस हिसाब से लगती है सब्जियां भी जितनी पानी की जरूरत है उस हिसाब से। तो ये तीन प्रकार के आपको लैंड टाइप्स भी आ सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ रहा है इरीगेशन, इरीगेशन क्या होता है, इट इज रेफर टू द सप्लाई, इरीगेशन होता है भी पानी की सप्लाई करना, जैसे कि इंडियन रिवर से हो गया, टैंक से हो गया, वेल्स खूब वगैरह हो गया, कैनाल बने हुए हैं, उनसे क्या है हमारा जो एक पर्पस हो जाता है मेन भी हमने जो अपनी जमीन को जो है पानी पहुंचाना, किसके लिए पर्पस ऑफ कल्टीवेशन या फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज के लिए अपनी लैंड्स को जो है पानी पहुंचाना कहीं से भी, चाहे वो आप नदियों से ला रहे हैं चाहे खूह से ला रहे हैं कहीं से भी ला रहे हैं चाहे टैंक की तरफ से टैंक भर भर के जा रहे हैं, उस टाइप उस प्रकार की प्रक्रिया को हम बोलते हैं इरिगेशन, ठीक है। दो नंबर में क्वेश्चन आपको कई बार ये भी आ जाता है, फिर आपको दो नंबर में पूछ सकते हैं एग्रो प्रोसेसिंग क्या होती है। एग्रो प्रोसेसिंग देखो इट इज एसेंशियल अंडरस्टैंड द प्रोसेसिंग एड वैल्यूज, मिला एग्रो प्रोसेसिंग कहाँ पे, एग्रो प्रोसेसिंग देखो एड वैल्यूज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसेस फ्रूट प्रोसेसिंग सच एज मैंगो कोकम जामुन एंड स्पोर्टिव टू सेक्टर एग्रो कोटेज इंडस्ट्री मेकिंग पिकल्स मेडिसन मसाला, इनका जो मेन काम होता है कि हमने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो करना है एड वैल्यू में,
इसमें कौन कौन सी चीजें होती है, फ्रूट प्रोसेसिंग होती है सर ज्यादातर, जैसे कि फ्रूट वगैरह बनते हैं आपके, या फिर इनसे क्या है मेडिसिन मसाला वगैरह भी बनते हैं एग्रो प्रोसेसिंग, ये इंडस्ट्री वगैरह में ज्यादातर यूज कर लेते हैं, मीन्स जो आपकी एग्रीकल्चर के जो कुछ भी आप जो बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को ले जाके आपके उसमें फ्रूट भी बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी आपने देखा होगा फ्रूट वगैरह जैसे बनाते हैं, मान लो कोई भी बन रहा है वो पक्का नहीं है, उसके बाद क्या करते हैं उसको एग्रो प्रोसेसिंग प्रोडक्ट में लेते हैं, उस पर कोई मसाला मसूले लगा के उसको पका देते हैं, उस तरीके की प्रोसेसिंग को हम बोल सकते हैं एग्रो प्रोसेसिंग। जो भी दवाइयां कुछ भी मान लीजिए आप, जो भी आपके ज्यादातर आज कल आपने देखा ही होगा ज्यादातर जो भी फ्रूट वगैरह बनते हैं वो पकते नहीं है नॉर्मली, मान लीजिए नहीं पकते तो उनको क्या करते हैं वो किसी न स्टोर में रख के या किसी ना कोई मेडिसिन वगैरह कुछ भी मसाले वगैरह लगा के उसको पका देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एग्रो प्रोसेसिंग, ठीक है। मार्केटिंग सबको पता ही है, मार्केटिंग का मीनिंग होगा जो सामान आप मार्केट में पहुंचा रहे हैं जो सेल हो रहा है आपका उसको मार्केटिंग बोलेंगे। एग्रो टूरिज्म इन गोवा, गोवा में एग्रो टूरिज्म भी बना हुआ है स्पेशल, वहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में आपको बता देते हैं, ऐसे म्यूजियम मान सकते हैं वैसे बना हुआ है। तो ये चैप्टर था आपका एग्रीकल्चर, जिसमें इसमें आपका जो मेन क्वेश्चन बनता है एग्रीकल्चर का रोल इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है, एग्रीकल्चर के इकोनॉमिक ग्रोथ में रोल हो गया। उसके बाद फाइव ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर एग्रीकल्चर के फाइव ईयर प्लान क्या थे, दो दो नंबर में क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ लैंड, एग्रो प्रोसेसिंग, इरीगेशन, ठीक है, तो ये पॉइंट आपके इसमें आ जाएंगे। या फिर एग्रीकल्चर क्या होती है, एग्रीकल्चर के बारे में पूछेंगे तो क्या होती है एग्रीकल्चर बताइए। एग्रीकल्चर में यही हो गया आप जो भी क्रॉपिंग वगैरह मींस प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्रॉप्स की होगी, वीट्स की होगी, किसी चीज की भी होगी उसको बोलते हैं, ठीक है। कौन से तरीके से यूज करते हैं आप, कल्टीवेटिंग कर रहे हैं, ब्रशर यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, जिस हिसाब से भी आप, फर्टिलाइजर इसमें क्या हम मान सकते हैं आपकी जो